नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेन से संबंधित एक प्रश्न है जो अभिषेक जी ने कमेंट के माध्यम से पूछा था, तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट का समय ज़्यादा लेती है। दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, तो जो ए ट्रेन है, ए ट्रेन बी से 45 मिनट का समय ज़्यादा लेती है, यानी ए की चाल कम होगी तभी तो वो ज़्यादा समय ले रही है। लेकिन इंजन खराब हो जाता है बी का, तो उसके कारण क्या होता है, बी की गति 1/4 कम हो जाती है। पहले बी की स्पीड जो थी उससे 1/4 कम हो जाती है, अर्थात पहले जितनी थी उसकी 3/4 हो जाती है। अब उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए से 30 मिनट का अधिक समय लेती है, तो ट्रेन ए की गति क्या होगी? तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं जो एक ट्रेन है, पहली ट्रेन, तो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहां पर देखेंगे कि दोनों ट्रेन हैं, तो इसकी चाल हमने ए मान ली है और इसकी चाल बी मान ली है। एक्स वाई के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा, जो ट्रेन का नाम दिया गया उसी को हम उसकी स्पीड या समय मान लेते हैं। तो देखिए, इसको समय कितना लगेगा, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 450 बटे चाल कितनी है ए, और इसे कितना समय लगेगा, 450 बटे बी। यानी समय हम क्यों निकाल रहे हैं, समय इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें समय में एक बॉन्ड दिया गया है कि इन दोनों में 45 मिनट का डिफरेंस है, तो इसको इतना समय लगेगा और इसको इतना समय लगेगा। अब 45 मिनट का डिफरेंस है वो कहां, देखिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट समय अधिक लेती है, ये वाला 45 मिनट ज्यादा है, तो इसमें 45 मिनट जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इसमें से हम 45 मिनट घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसमें 45 मिनट जोड़ देते हैं। तो चूंकि हमारा जो प्रश्न है पूरा का पूरा किलोमीटर और घंटा में है, तो हमें समय भी घंटा में लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि हम जो है, जब हम यहाँ इतना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, 450 बटे ए माइनस 450 बटे बी बराबर हो जाएगा 3/4, इसे 15 से काट देंगे तो ये 3/4 हो गया। अगर चाहो तो 3 से हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 150, ये 150 और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 बट्टे ए माइनस 150 बट्टा बी बराबर 1/4। यहाँ तक ये एक समीकरण बन गया है, यहाँ से एक समीकरण बन गया। अब देखिए, जब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, दो राशि होती हैं जिनका मान हमें निकालना होता है, तो उसके लिए दो समीकरण बनना आवश्यक है, इसके लिए दो कंडीशन दी गई होंगी। तो पहली कंडीशन से हमने एक समीकरण निकाल लिया है, अब दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं क्या है। तो दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है, तो क्या बनेगा कि उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए से बी को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो अब हम समय निकालेंगे, तो अब समय जो है, देखिए ए को समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, और बी को समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। तो चाल अब कितनी है उसकी, पहले उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अब उसकी चाल है 3/4 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या होगा, अब ये जो समय है, ये समय देखिए 30 मिनट अधिक लग रहे हैं किसको, बी को, तो ये जो बी को जो समय लग रहा है वो 30 मिनट ज्यादा हो गया है। तो अब इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें से 30 मिनट घटा दो, क्योंकि पूरा सवाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घंटे में ही घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो चार है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहां से जो है ऊपर चला जाएगा, तो अब क्या होगा, ये 450 बट्टे ए माइनस 4 × 450 बट्टे 3b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। अब यहां पर देखिए, इस वाले 3 से ये 450 कट जाएगा, चाहो तो काट लो चाहो तो मत काटो, क्योंकि यहां पर हमारा जो समीकरण है उसमें 150 बट्टे b है और यहां पर 4 × 450 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे 150। तो अब हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 450 बटे ए
माइनस चार गुना 150/b बराबर माइनस के 1/2, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद हमें a और b के मान निकल आए। तो चलिए समीकरण को लिख लेते हैं, 150/a माइनस 150/b बराबर 1/4, और दूसरा समीकरण है 450/a माइनस 4 गुना 150/b बराबर माइनस के 1/2। अब देखिए हमें a का मान निकालना है, तो इन दोनों समीकरणों में से हमें b गायब कर देना है। जब यहाँ से b गायब हो जाएगा तो हमारे पास a का मान ऑटोमेटिक बना रहेगा। तो चलिए हमें b गायब करना है, तो ये यहाँ पर b का जितना गुणांक है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 गुना 150 है, तो यहाँ पर भी 4 गुना 150 होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, और इसमें 4 का गुणा कर देंगे। जब भी हम कोई समीकरण लेते हैं और समीकरण में गुणा करते हैं, तो दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में हमें गुणा करना पड़ता है। तो हमने इसमें सब में 4.5 का गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें घटाना है। देखिए घटाने पर हम क्या कर देते, चिन्ह बदल देते, चिन्ह बदल दे, और चिन्ह बदलने के बाद में जो चिन्ह होगा उस हिसाब से हम कर देंगे। तो देखिए 600/a और 450/a, तो क्या बचेगा, 150/a बचेगा। यहाँ पर 600/a है और यहाँ पर 450/a है। 600/a से 450/a घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 150/a, और ये तो कट जाएगा बराबर। यहाँ पर एक बचेगा, 1 + 1/2 यानी 3/2, तो क्या हो जाएगा, कैंची का गुणा कर लेंगे, 3a = 300, तो a = 300/3, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक ही ट्रेन की चाल पूछी है, तो एक ही चाल हमारी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमारे पास b की भी चाल पूछी है, तो a का मान किसी भी पद में चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, तो हमें b का मान मिल सकता है। तो अगर a और b दोनों का पूछा है तो हम दोनों का निकाल देंगे, और अगर a का पूछा है तो हम a का ही निकाल देंगे, क्योंकि इस सवाल में a का पाथ पूछा है, तो हमने a की स्पीड निकाल दी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।